हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल आरके सीट कवर पे। दोस्तों, हमारे चैनल में जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, ये रॉयल इनफील्ड बुलेट 500 की सीट है, बकेट सीट। दोस्तों, ये बिल्ली ने नाखून मार के पीछे का सीट का खड्डा कर दिया है, तो मैं इसको अभी रिपेयरिंग कर रहा हूँ। रिपेयरिंग करूँगा, उसके बाद फिर सील के इसके ऊपर कवर चढ़ाऊँगा। और दोस्त, आगे का भी सीट का थोड़ा सा बिल्ली ने पंजा मारी है, आगे का सीट में भी थोड़ा खड्डा हो गया है, तो उसमें भी रिपेयरिंग करूँगा। और दोस्तों, मैं जो रेगजिन यूज करता हूँ वो जिंदा का रेगजिन है, जिसको फैब्रिक बोलते हैं। बहुत अच्छा मटेरियल है और सीट बनने के बाद उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छा दिखता है और दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती दिखता है। और दोस्त, हमारे वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, कहीं जाना नहीं। इसमें बुलेट का जो बकेट सीट है, इस कवर किस तरह से फिटिंग करते हैं, मैं इसमें दिखाया हूँ किस तरह से कवर को फिटिंग करते हैं। अच्छे तरीके से, प्रॉपर से मैंने कवर को ये सीट में मैंने फिटिंग किया हूँ, तो फॉर्म को मैंने चिपका दिया हूँ। अभी इसको कटिंग कर रहा हूँ। कटिंग करने के बाद इसको घिस रहा हूँ, घिस के अच्छे तरीके से लाइन लेवल में करके उसके बाद इसको फिनिशिंग करूँगा, फिर कवर को कटिंग करूँगा। दोस्त, मेरी वीडियो में बने रहना, कहीं जाना नहीं। देखो, मैं कवर तो सिल चुका हूँ और मैं अभी सुलेशन लगाने जा रहा हूँ कवर में। सुलेशन लगा के फिर सीट में फिटिंग करूँगा। कवर दोस्तों, अगर ज़रा सा भी एड़ा टेढ़ा हो गया तो प्रॉपर से फिट नहीं होगा, तो उसको क्या है, बहुत ध्यान रख के कवर को चढ़ाना पड़ता है। और फिर देखेंगे कि कवर चढ़ने के बाद किस तरह से फिनिशिंग आया है और किस तरह से नहीं आया है। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, कितने अच्छा भी कवर डालेंगे ना, तो बिल्ली के पंजे से ख़राब हो ही जाता है। कवर को ही ख़राब किया है और प्लस फॉर्म को भी खड्डा कर दिया है, नाखून मार मार के बहुत ज़्यादा खड्डा कर दिया है। तो वही मैं इसको फिनिशिंग दे के प्रॉपर से और बना रहा हूँ। और दोस्तों, मेरा चैनल को ज़रा सपोर्ट करो। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों, मेरे शॉप में आरके सीट कवर में सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन का काम होता है। मैं कस्टमर के हिसाब से सीट को बनाता हूँ। कस्टम सीट अपने पास ज़्यादा बनता है, जो गाड़ी का आप बोलेंगे वो गाड़ी का मैं बना के दूंगा।
ये वीडियो खास करके आप लोग के लिए बनाया हूँ। तो कोई नहीं दोस्तों, मेरा चैनल में बने रहो। अभी देखो जहाँ पे मैं गम लगाया हूँ वहाँ पे चिपका रहा हूँ, ताकि जो फॉर्म का शेप है वो शेप के हिसाब से कवर फिटिंग होता होगा तो ही अच्छा दिखेगा दोस्त। तो मैं अभी फिटिंग तो कर रहा हूँ, और फिटिंग जब पूरा हो जाएगा अपना, उसके बाद आप लोगों को मैंने दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने कवर को फिटिंग किया हूँ और किस तरह से फिनिशिंग दिया हूँ सीट में। और आगे का तो लगभग में हो ही गया है दोस्त, अब आगे का हो जाएगा, उसके बाद हम पीछे का फिटिंग करेंगे। और गाइस कहीं जाना नहीं, वीडियो में बने रहना। और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। और आप लोग कमेंट करके बताओ गाइस कि मैं आपको कौन सा टाइप का और कौन सा शेप में आपको सीट बना के दिखाऊं। आप लोग कमेंट करके बताओ कि किस टाइप का सीट चाहिए आप लोगों को, तो मैं उसी टाइप का सीट बना के दिखाऊंगा, और कौन सा गाड़ी का। तो कोई नहीं दोस्त, हमारे चैनल में बने रहो, और कहीं जाना नहीं। मैंने आगे का सीट का फिटिंग तो कर दिया हूँ, अब पीछे वाली सीट को मैं फिटिंग कर रहा हूँ। तो दोस्त मेरा चैनल में बने रहो, और मेरा चैनल को सपोर्ट करो दोस्त। सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो भी बनाऊंगा। और जिस टाइप का आप लोग को सीट देखना है बनाते हुए, मैं उसी टाइप का सीट बनाऊंगा। तो मेरा